झारखंड में आलू की प्रति एकड़ उत्पादकता दूसरे राज्यों की तुलना में कम है, इसलिए झारखंड में आलू की उपज को बढ़ाने के लिए हमें इसकी विधि पूर्वक खेती करनी होगी। आज हम विस्तार से जानेंगे कि आलू की खेती के लिए बीज का चुनाव कैसे करते हैं एवं उसका उपचार कैसे करते हैं। बीज उपचार करने से न केवल आलू के फसल में लगने वाले कीड़ों या झुलसा बीमारी से इसे बचाया जा सकता है या उससे होने वाली हानि को कम किया जा सकता है, बल्कि इससे इसकी उपज को भी बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। आलू के बीज का चुनाव करते समय हमें उसकी सही प्रजाति और उसके सही आकार की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बीज का चुनाव करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बीज को किसी भरोसेमंद स्रोत से ही खरीदना चाहिए, ये पता करना चाहिए कि वो बीज किसी रोगग्रस्त क्षेत्र से नहीं आया हो। बीज का आकार 3 से 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उसका वजन 30 से 35 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। बीज देखने में रोगग्रस्त, सूखा, कटा फटा या फिर पिलपिला न हो। इसके अलावा उस बीज में अन्य किस्मों के कंद मिले हुए नहीं हो। अगर आप आलू के बीज खरीदने दुकान पर जा रहे हो तो आप उस दुकान में रखे आलू के बीज के कुछ बोरों में से 2-4 आलू निकालकर वही काट कर देखिए। अगर उस कटे हुए आलू के अंदर काला दाग हो या फिर सड़ा हुआ दिखे तो उस बोरे से आलू के बीज को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस तरह के आलू से फसल में बीमारी लगती है और उसका उत्पादन भी कम होता है। खेतों में आलू के बीज की सही मात्रा का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी है। झारखंड के ज्यादातर किसान बीज की कम मात्रा लगाते हैं, जो कम उत्पादन का एक बड़ा कारण है। 10 डेसीमल में कम से कम 100 किलो बीज लगाना चाहिए। आमतौर पर आलू के बीज को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। वहां से निकालने के लगभग 2 हफ्ते बाद आलू के कंद में अंकुरण आना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आपने बीज सीधा कोल्ड स्टोरेज से खरीदा है तो खेत में लगाने से पहले कम से कम 12 से 15 दिनों तक उसे घर के किसी कमरे या वारांदे में रखना चाहिए। सड़ा गला या रोग लगा हुआ बीज को अलग करने के बाद उस खराब कंद को जमीन में गड्ढा खोद कर गाड़ देना चाहिए। गलती से भी उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए या फिर कंपोस्ट के गड्ढे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये रोग ग्रसित होता है, जिससे कि आपके आने वाली फसल में भी बीमारी लग सकता है। इसके अलावा इस प्रकार के बीज को जिन बोरियों में लाया गया है उसका उपयोग भी आलू की खेती के किसी भी काम में नहीं करना चाहिए। समझौता न करने वाली बातें। बीज का आकार 3 से 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उसका वजन 30 से 35 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। बीज देखने में रोगग्रस्त, सूखा, कटाफटा या फिर पिलपिला न हो। इस प्रकार आप भी आलू के सही बीज का चुनाव करके इसकी अच्छी उपज पा सकते हैं।